अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी आवाज़ न्यूज़। मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक मलक। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहाँ हमें रिपोर्ट करे मलक कमजद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमजद मलिक, आप देख रहे हैं वतन न्यूज़ और सिटी आवाज़ न्यूज़। इस वक्त हम हसन चिरागा अकेडमी और स्कूल में यहाँ पर मौजूद है, सैफाबाद गली नंबर 11 में। यहाँ पर कल एक तकरीबन 2 बजे से लेकर 3 बजे तक एक वाकया पेश आया, जो कि बहुत तकरीबन ना देखने वाला अमल है, और बच्चों को डराया धमकाया गया उसमें, और बच्चे काफ़ी हद तक डर भी चुके हैं। और हम इनसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रिंसिपल, और हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। चूंकि यहाँ पर प्रिंसिपल साहब और यहाँ पर जो लेडी स्टाफ है और बच्चों पर तशद्दद किया गया, और ये तशद्दद किस बना पर किया गया, आइए हम इनसे बात करते हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं बच्चे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? तला। बेटा, कल क्या वाकया पेश आया इधर? दो लड़के आए थे, बगैर पूछे सर को बताया नहीं, ऊपर मैम से, टीचर से, फीमेल से बदतमीजी की इन्होंने, और सर ने, मैम ने टीचर सर को बताया, और सर ने कहा है आप किधर से आए, सर ने पूछा, उन्होंने नहीं बताया, और सर ने उन्होंने कहा है मैं आपको आपके वालदैन को बुलाता हूँ, और फिर टीचर ने कहा है छोड़ दें ये बच्चे हैं, कोई आगे से नहीं करते, और फिर ना वो अपने वालदैन को लेके आए हैं, और उन्होंने के पास डंडे थे वो लेके आए सर को मारने के लिए, टीचर को पिस्टल भी थे उनको पास, ये दरवाज़ा तोड़ा उन्होंने, और अलमारी से पैसे निकाले हैं। हमें आला हुकाम से इंसाफ चाहिए, और जो हमारे वो हैं वज़ीर आज़म हैं इमरान खान हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस चीज़ के बारे में एक्शन लें, क्योंकि ये गुंडागर्दी की गई है यहाँ पे, दहशतगर्दी की गई, इसमें हमारे दोबारा भी हो सकता है, हमें ये भी खतरा है कि दोबारा हमारे बच्चों पे हमला करें, दोबारा हमारे क्या पता हमारे प्रिंसिपल को वो जाँ बहक भी कर सकते थे। कैमरे वगैरह लगे हैं उनमें, उनकी तस्वीरें वगैरह सारा कुछ है, उनके आने की जाने की उनकी तो सारी तस्वीरें हैं। जी, थाने से भी दरख्वास्त वगैरह दी है, वो रिपोर्टें वगैरह भी जमा कराई, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है ना सीसीटीवी काम बना नहीं है। सीसीटीवी फुटेज चेक कराई उनको? जी, वो भी चेक करवाई है। इधर अमला आया था, वो सारा कुछ देख के गए, कहते हैं दरख्वास्त दो, वैसे हमने पर्चा नहीं करना है। उनने मल्लेदारों को असरा दिखाया, बाकायदा तौर पर ये वीडियो बताएगी कि वो बंदा कैसे बाहर जा रहा है, उसका पिस्टल वो कैसे अपना सेट कर रहा है, और कैसे वो अंदर खड़े होकर लोगों को अंदर खड़े होकर दिखा रहा था, असला लोगों को अंदर खड़े होकर दिखा रहा था, बाहर जाके वो अपने असले को सेट कर रहा है। सर, अभी आपकी वजीरे आला से क्या हुई? मेरी वजीरे आला से और आला हुकाम से, एसपी से, डीएसपी से, आईपी से, सब आला हुकाम से यही मेरे गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया मलक अमजद।